What's up guys, welcome back to another new gameplay video. आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ न्यू सर्वाइवल सीरीज। तो गाइज आज की वीडियो में मैंने ऐसे दो मोड पैक लगाए हैं मतलब सर्वाइवल सीरीज के लिए, कि जैसा कि आप देख सकते हो इतने अच्छे ग्राफिक्स हो चुके हैं माइनक्राफ्ट के, और एक बेटर मॉब्स एनिमेशन नाम का मोड लगाया है मोड पैक। और जैसा कि आप देख सकते हो उसका हमारे स्टीव की भी भाई बेटर एनिमेशन हो गया है, बाकी सिर्फ भी जानवरों के तो हैं है ना गाइस। तो मैं इसमें F5 बटन भी इंस्टॉल करूँगा बहुत जल्दी, ताकि मुश्किल ना हो गई, नहीं तो यहाँ से करना पड़ता है लंबा सेटिंग्स में जाके। तो गाइस मैं फटाफट से फर्स्ट पर्सन व्यू में आ जाता हूँ, फिर लकड़ी वकड़ी मतलब पेड़ काटते हैं। तो चलो गाइस फर्स्ट पर्सन व्यू में तो मैं आ चुका हूँ, एक मिनट में उठा फर्स्ट पर्सन व्यू में तो मैं आ चुका हूँ। अब फटाफट से पेड़ काटते हैं। तो भाई बहुत पेड़ भाई हम ये पेड़ है ना मतलब ये है भाई हम इसको कौन सी भाई हम कहते हैं आई डोंट नो कि इस भाई हम का नाम क्या है। तो अभी तो बस भाई हाथ से हम पेड़ ही तोड़ते हैं फटाफट से मुक्के मार मार के। ये लो भाई टूटा क्या, अच्छा ये रहा भाई ये रहा। और यहीं पर खड़े हो जाते हैं यहीं पर, नहीं तो ये सारे लोग यहीं पर आने वाले हैं है ना। बस फटाफट से इस पेड़ को भी तोड़ देते हैं, कोई ग्रेड नहीं है ना। और भाई फटाफट से तोड़ते हैं और एकदम पेड़ देखो बाहर सब रियलिस्टिक हो चुका है एकदम तकड़ा वाला। और इसको भी तोड़ो इसको भी तोड़ो फटाफट फटाफट। हाँ ये भी तोड़ लिया और भाई इसको भी फटाफट से तोड़ते हैं। अब तो स्पीड ज़्यादा तेज हो रही है भाई, एक बार काटे तो देखो कितनी स्पीड में तोड़ रहा है भाई। वुडन लॉग लेके बहुत स्पीड से तोड़ रहा हमारा स्टील पेड़ को है ना। तो यहाँ से भी काट लेते हैं और यहाँ से भी काट लेते हैं, यहाँ से भी तोड़ लेते हैं। एक तो मिल गया अभी कितने मिले हैं, एक दो तो। अरे इसको नहीं तोड़ना भाई, 10 लॉक्स मिल चुके हैं। तो मैं फटाफट से इसको वुडन प्लैंक्स में से ये बनाते हैं हमारे क्राफ्टिंग टेबल। तो गाइस मैंने क्राफ्टिंग टेबल तो बना लिया, अब लॉक्स बना लेते हैं और शेड टंडी बनाएंगे है ना। तो गाइस टंडे भी बहुत बना लिए मैंने मार्केट करने के लिए है ना। तो ये तो मैंने बना लिया। अब भाई रात हो गई यार, शेट मैसेज भेजना पड़ेगा ताकि सुबह हो जाए भाई। रात में भाई मेरा जीना लिटरली मुश्किल है बहुत ऐसा, अरे समझ नहीं आ रहा कैसे भेज सकते। अच्छा ऐसे ही तो भेजते हैं भाई, इसको ऑप्शन ही नहीं है, इसे सुबह हो जाती है भेज के। अब क्या करूँगा जो हम भी चचा रहे मेरी तरफ भाई, मैं हाथ में डंडा लेकर तैयार है। तो और क्रीपर 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 पीछे भागो पीछे भागो, मैं पीछे भाग रहा हूँ गाइस पीछे भाग रहा हूँ। मैं उधर गया ना तो भाई लिटरली क्रीपर फट जाएगा। और बस अबे यार तुम ओ अबे कौन है ये भाई भागो, अरे ये तो वो लग रहा है मेरे को ज़ॉम्बी भाई भाई भाई, क्राउचिंग में क्यों चल रहा हूँ स्पीड पे, भागो यार अबे यार मर जाऊंगा मैं भाई साहब, ये तो गंदा वाला सीन हो गया, स्पीड से भागना पड़ेगा भाई, गंदा वाला सीन हो गया। तो भाई लो या फिर ज़ॉम्बी या फिर स्केलेटन हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। अभी भाई साहब मेरे को फटाफट से भागना है, जरा पीछे मुड़ के देखो कौन है तो कौन था है ना जो मार रहा था। ओ भाई ज़ॉम्बी थे भाई साहब, ये यहाँ के ज़ॉम्बी तो और ख़तरनाक होते हैं, जाके बन सकते भी हैं भाई। ओ भाई ये भी तैर के आ रहे हैं भाई लोग, मैं गया भाई गया गया मैं गया भैया, मेरे को बस ये तैर करने की भाई मैं मरूँ ना भाई। पीछे क्या आ गया यार, फटाफट से चलता हूँ, वो मेरी बैंड बजाने के लिटरल भाई डैमेज बहुत बड़ा पड़ रहा है क्रीपर भाई। इसके पास से चलते खतरों की खिलाड़ी हैं,
फट गया शायद। अरे स्केलेटन स्केलेटन सब कुछ पीछे पड़ चुके हैं, इस डंडे से कुछ नहीं होता भाई। ट्यूटोरियल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इस डंडे से कुछ नहीं होगा है ना। ओ भाई लोग क्या करूँ, अरे मरा मैं, मर गया गया, टाटा बाय बाय खत्म। ठीक मेरा खत्म खत्म, मार इसकी भैंस की। मैं भाई एक हिट और मैं बस मर जाऊंगा। और भाई ये भाई सब तैर रहे ज़ॉम्बी, लिटरली एक्सपेक्ट मैंने नहीं किया था कि तैर भी सकता है इस एनिमेशन वाले मोड पैक को लगाने के बाद। भाई 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 इसको मैं तू डाइट। अच्छा बबल सांस नहीं आई तो मर गया। भाई साहब ये कौन सा जगह स्पॉन हो गया है? ओ ज़ॉम्बी विलेजर्स, इसका मतलब विलेजर है यहीं पे, मतलब गाइस वो यहीं पे विलेजर भी हो सकता, विलेज भी हो सकती है भाई लोग है ना। मैं अभी फटाफट से पीछे चलता हूँ, मेरे पीछे सॉम भी आ रहा है, मतलब वहाँ से आ रहा है भाई, दूर ही चल लो नहीं तो इन्होंने देख लिया बैंड बजा देनी है इन लोगों ने मेरी। ओ भाई ये ज़ॉम्बी तो एकदम पास स्पॉन हो रही है भाई, ज़ॉम्बी का बच्चा सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अरे भाई मैं किधर, अच्छे यार उल्टा आ गया, अब फटाफट से इधर आ जाते हैं भाई, मर जाऊँगा नहीं तो मैं। अरे 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 मछली बन के छुप जाता हूँ, अरे ज़ॉम्बी शायद ना देखा भाई के। अभी तो मैंने कुछ इकट्ठा भी नहीं किया यार, माफ करते से। अरे यार ये क्या हो गया, इमोट्स के चक्कर में मर जाऊँगा। अरे भाई मेरे पास कुछ नहीं है यार, मेरा पीछा छोड़ दे, इसको बताऊँगा मैं क्रिएटिव में जाके, जब क्रिएटिव में जाऊँगा भाई मर जाए यार, कोई इज्जत ही नहीं। मार दे मार दे मार दे मार दे, बहुत तेरे को प्रॉब्लम है ना, मार दे मार दे मार दे। ये तो ड्रोन वाला ज़ॉम्बी था, सॉरी सॉरी यार चल रहा है ज़ॉम्बी तो उठा बैठे हुए आगे, ये इधर भी आ सकते थे एक बार, तो ध्यान से एकदम पीछे होकर चलना मेरे को है ना भाई। अबे भाई उसको मर भैंस, हट यहाँ से, मुक्के खा ले मेरे, खा ले मुक्के, मैं हूँ वॉरियर, ये ले वॉरियर से पंगा, स्टीव द वॉरियर से पंगा लेगा, मीन्स टेक्नो एंड ट्रॉल बिग फैन वॉरियर से, ये ले खास खास कर, ये ले भाई ये ले पूरा गेम लैग कर गया इसको मारने में, मतलब लैग कर गया था एक मिनट के लिए। ओ भाई उसके एक्चुअली मेरे को शुक्र है, मतलब कि मर गया शुक्र है। स्केलेटन भी घूम रहा है यार, स्केलेटन ने देख लिया मेरे फ्रेंड को जा, अब यार ये आगे क्यों आ रहा है, मर जाऊँगा मैं मर जाऊँगा। हो नहीं नहीं भाई नहीं, स्केलेटन चाचा मत करो प्लीज़, माफ़ कर दो स्केलेटन चाचा, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है भाई। भाई भाई मार दो भाई, इज्जत ही नहीं है, मार दो मार दो। अभी सबसे पहले मैं तो क्रिएटिव में जाना पड़ेगा भाई, सॉरी अभी सुबह करनी पड़ेगी शो पे, अभी आ गया क्रिएटिव में। सो फाइनली गाइस क्रिएटिव में आके भी मर गया क्योंकि कॉम्बिनेशन हार गया था भाई। तो ऐसे तो अब इसको पता तो ज़्यादा बड़ा शाना बन रहा है ना भाई, ज़ॉम्बी की बच्ची तेरी भैंस की, हट यहाँ से हट यहाँ से हट भाई। अच्छा डंडा निकालेगा, मेरा ही डंडा है बे, ज़्यादा हिम्मत मत कर, मार दूंगा बहुत गंदा वाला भाई साहब। इसने डंडा दिखाएगा मुझे, डंडा दिखाएगा, डंडा दिखाएगा, मेरे डंडे हैं भाई तेरे नहीं है, मेरे तो डंडे मतलब डंडे तेरे बहुत सारे इसके पास भी होंगे, एक मत सारे थोड़ी दिखा देगा, हट यहाँ से भाई साहब हट, तू भी गए स्केलेटन आज मेरे हाथों से, तेरी हड्डियाँ कैसी असली सी एकदम लग रही है आज, तो असली का ये हड्डी का ढांचा लग रहा है, हट यहाँ से ज़ॉम्बी। आज स्केलेटन के तो मैं छोड़ना बैंड ही बजा दूँगा, सॉरी रैप हो रहा था। अब सबसे पहले मैं भाई ब्रिच लॉक लॉक्स लेके और स्पॉट लेके नदर राइट की है ना, सो पॉइंट
मैं सब लेके चलता हूँ, बिकॉज मेरे को रास्ते में कोई भी मिल सकता है, इनसे बचना तो मुश्किल है ना। तो मैंने सब कुछ ले लिया ऑलमोस्ट। अब नेदरराइट के शवल लेते हैं, और नेदरराइट का हो अब पहले लेते हैं। अगर मैं क्रिएटिव में जाऊँ तो कमल के रहूँ ना भाई, तो इसलिए मैं सब कुछ ले लेता हूँ यहाँ से। आ रहा है पूरा नेदरराइट का ना, तो बस मैंने पूरा फुल नेदरराइट का नंबर ले लिया है। और भाई क्रॉस वो लेकिन पैर बजाता हूँ मैं। कौन है भाई, कौन है? अब सामने आओगे, आओगे सामने, सामने आओगे। डर देख रहे हो भाई, भाई लिटरली। तो अच्छा क्रीपर चाचा, आपको बड़ी चूल मची है ना, दिखाता हूँ मैं पावर। ज़्यादा पंगा लिया है तुम लोगों ने मुझसे, बहुत गंदा पंगा ले लिया। यहाँ पे आ जा, यहाँ पे आ जा। ये ले भाई साहब, ये ले हड्डी कटाचे, मतलब उसके स्केलेटन भाई। मार दिया मैंने फाइनली इसको। और भाई ये देखो देखो देखो, रास्ता नहीं की जॉम्बी की। मरा नहीं, मरा नहीं, मरा नहीं, मरा नहीं। ये तो अब इसको बता दो, डंडा लेके बहुत घूम रहा है ना। आगा पास आ जा, आ जा, आ जा, जा। नोक पे आ जा, नोक पे। ये ले भाई, एक पॉट से हेड शॉट बजा दिया मैंने इसके, एक हेड शॉट भी गया। ये तो भाई तगड़ा वाला बजाया मैंने हेड शॉट। और इसने किसी को मारा है भाई, आई थिंक इसने किसी को मारा है। ये क्या है, रॉडन फ्रेस ठीक। ये मेरा डंडा, इसने मारा नहीं सॉरी किसी को, है ना। तो भाई हॉर्न लेते, मतलब कॉट के हॉर्न। तो भाई साहब पाँ पाँ पाँ, देखो पाँ। कर रहा है भाई तो एकदम लुटर। तो गाइस मैं बनाने वाला हूँ मेरा अंडरग्राउंड बेस। तो बॉयज मैं सब कुछ सामान अपनी इन्वेंटोरी में रख देता हूँ, है ना, सब कुछ रख देता हूँ। अंडरग्राउंड बेस बनाने आया है मेरे को, तो उसके लिए जो जो सामान लगता है बनाने में सब कुछ ले लेता हूँ गाइस। और ये भी ले रहा है ताकि याद रहे कि यही पे मेरा अंडरग्राउंड बेस। बॉयज ये तो मैंने ले लिया। एंड देखो रुक जाओ गाइस, स्टिक पिस्टन लेना है ना, और लीवर लेना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है लीवर। तो गाइस यहाँ से पहले मैं अपने शील्ड भी हटा लेता हूँ, शील्ड की भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है भाई, दिख नहीं रहा है अच्छे से। अरे शायद कलर तो मैंने कंटर नहीं कर दिया क्या, पता नहीं। उधर कुछ पहाड़ दिख रहे हैं, उधर बनाते हैं जाकर, यहाँ पर रह दो। गड्ढा हो गया तो हो गया, सो हमें क्या, इसको कवर कर देते हैं वोडा लॉक्स, मतलब ब्रिज लॉक से। तो गाइस ये तो कवर हो गया है भाई। अभी मैं फटाफट से चलता हूँ उस पहाड़ की तरफ। मैं सोचा था यहाँ बनाऊँगा, बट देखो ये तो पानी है इधर, तो इधर थोड़ी बनाऊँगा भाई, आप खुद ही सोचो, है ना। तो गाइस मैं आ चुका हूँ इधर की तरफ, है ना। तो अभी मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, और एक मिनट, अरे भाई नीचे हो जा। हो गया फाइनली। और यहाँ से दो ब्लॉक्स और इकट्ठा करते हैं, और रुक जाओ। ये लगाया, ये लगाया, स्टंट तो मैंने लगा दिया है। अब फटाफट से देखते काम कर रहा है, काम करेगा, हाँ सही काम कर रहा है, ठीक है। अरे भाई मेरे को यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जिससे मैं गिरूँ ना, है ना। तो मैं फटाफट से हाथ में डट ले लेता हूँ भाई, ताकि कैसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना दूँ सही का, है ना। तो यहाँ पे ऐसे बनाया, और ऐसे बनाया, ये थोड़ा सा प्लेटफॉर्म तो मैंने ठीक ठाक तो बना दिया है फाइनली, तो है ना। ऐसे 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 ना? तो भाई ये तो मैंने ठीक ठाक सा बना दिया है। और यहाँ से ऐसे 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 लगाते जाते हैं, फेंसिंग भी करेंगे और टॉर्च वॉर्च भी लगाएंगे
भाई साहब बहुत मारा मेरे को लंबी ने भाई, आ जाता है कैप्टन का नाम लो तो यार, बट हम रोना नहीं है, हाँ मैं लाइफ वॉरियर। और ये स्टोन स्टेट ये लगते ये लेते कोबर स्टोन स्टेट, ये बहुत ठीक ठाक अच्छी सी लग रही है भाई साहब, है ना भाई। यहाँ पे फटाफट से ही लगा देते हैं। और अगर आपको भी मेरे साथ खेलना माइनक्राफ्ट तो बता देना जरूर से। और कैसे अब आपने क्या देखी टेक्नोप्लेट की वीडियो, बेचारा वो बनने वाला है ना, रेस्ट इन पीस टेक्नोप्लेट। बट मेरे को नहीं पता कि वो कौन है, बट रेस्ट इन पीस है ना। मैंने उसकी वीडियो देखा था सर्च करके टेक्नोप्लेट नाम से, मतलब सर्च होती है ना, तो भाई वो एक वो रेस्ट इन पीस स्टोरी मेरे को समझ नहीं आया था, जब पूरी स्टोरी सुनी जब मेरे को सही से समझ नहीं आया, मतलब इंग्लिश तो आती है भाई बट समझ नहीं आया कि क्या बताना चाह रहा है। अबे यार सारा मजा क्लिक रहा हो जा रहा है। तो भाई रेस्ट इन पीस एक बार और टेक्नोब्लेड को, बेचारा मर जाएगा है ना, एकदम वाइट रूम में बैठा है वो, आप उसकी वीडियो देख सकते हो जाकर। वो एक बूढ़ा मतलब बुढ़ा हो चुका है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा सही से, वो एक बुढ़ा हो, वो एक बुढ़ा है। बाकी तो मैं उस वीडियो में मैंने बुढ़ा ही देखा था है ना। तो भाई अभी तो रेस्ट इन पीस एक और बार, बेचारा टेक्नोब्लेड मर जाएगा। और फटाफट से नीचे कर चलते हैं, अब हम उसमें कर तो नहीं सकते है ना भाई, क्यों मर रहा है तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस मैं फटाफट से बढ़िया वाला प्लेटफॉर्म तो नहीं बनाना भाई, स्टेज बनानी थी, क्या हो रहा है इसको रखो भाई, ये फालतू की स्टेज है, स्लैब से बनाऊंगा मैं भाई साहब, मेरे दिमाग पूरा ख़राब कर दिया। कोबर स्टोन स्लैब ये लिया मैंने हाथ में, अच्छा तो वो ही है भाई, इसके चक्कर में पूरा दिमाग ख़राब हो गया मेरा, एकदम बेकार सब कुछ ठीक ठाक नहीं बना है ना। तो अभी इस वीडियो का टॉपिक होगा आई मेक अ सीक्रेट पेस। तो गाइस यहाँ पे एक ऐसे यहाँ पे अरे भाई लग जाओ ना, अरे क्या है प्रॉब्लम, व्हाट अ प्रॉब्लम, ये तो मैंने बड़ा तकड़ा वाला पूरा पुष्पा वाला कर दिया, बट्टा वाम वाम बट्टा बट्टा भाई मजे कर रहे हो, अभी मजे नहीं काम काम के पास करते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे लगाते जाते हैं पूरा है ना, ऐसे 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 स्पीड में बनेंगे भाई, हम बनेंगे बाप द बिल्डर बाप। मेरे को ये भी नहीं पता बाप द बिल्डर क्या होता है, ठीक ठाक से मैंने उसका कार्टून देखा ही नहीं है, किसने देखा है कमेंट में बता देना आ में से कोई भी, ठीक है। तो भाई ये सही बन रही ना स्लैब से, देखो एकदम माइनक्राफ्ट लैग ही नहीं हो रहा, इजी पीजी चल रहा है, देखो कैसे चल रहा है मज़ेदार माइनक्राफ्ट है ना। तो यहाँ से ऐसे और ऐसे 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 ऐसे, और भाई मैं गाइस अभी उसका थार का एड ऑन भी लगाता हूँ फटाफट से, जब बस ये स्टेज बन जाए पूरी तरीके से, फिर थार मंगाते हैं, वैसे थार को पहले मंगा लेते, टाइम लगेगा स्टेज को। तो भाई फटाफट से ये प्रॉब्लम तो मेरे को झेलनी पड़ती है ना। तो काम गया थार का एड ऑन, वेयर आर यू थार एड ऑन, एड ऑन ही कहेंगे भाई साहब वैसे तो, अब ये लग क्यों नहीं रहा यार एड ऑन थार का, व्हाट अप व्हाट सॉरी ये क्या प्रॉब्लम हो गई, यही लग जाए रिसोर्स सी एम से फर्नीचर का मोड भाई, प्रॉब्लम हो गई तो बहुत गंदी वाली भाई, छोड़ो नहीं लगा रहे थार का मोड, अब क्या करें प्रॉब्लम तो हो ही गई है। पहले बताओ सिद्धू मूसे वाला मर गया है ना गाइस, उसके बाद टेक्नोब्लेड मरने वाला है या मर गया, मेरे को सही से मैंने याद नहीं है ना। तो भाई सब मर जा रहे दे धनाधन एक ही साथ, टेक्नोब्लेड से तो आपको पता ही होगा सब्सक्राइबर दो तीन महीने पहले हुए थे 10 मिलियन, तो भाई
जिनको पता कि टेक्नोब्रेक वाले कमेंट में बताना, मैंने कभी वीडियो देखी नहीं तो मेरे को नहीं पता। उज्जवल भाई की मैंने वीडियो देखी नहीं सब अवर टेक्नो गेमर्स की, तो मेरे को पता कि वो कौन है ना। चलो बस अब ड्रीम तो ना मारे भाई, सॉरी बस वो तो अच्छा ही है, वो भी ठीक ठाक ड्रीमर से ड्रीमर से एक बंदा चले गया टेक्नो ब्लेड भाई। मेरे को यह भी नहीं पता कि ड्रीम SMP क्या है, मतलब उसकी SMP है भी कि नहीं है, मेरे को नहीं पता। लिटरली भाई माइनक्राफ्ट के बारे में मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं जानता, बट फिर भी मैं एक प्रो हूँ। सर्वाइवल सीरीज में बहुत पिटता हूँ, सॉरी पिटता तो सबको ही पड़ता है, ऐसा थोड़ी कि कोई ना पिटे। जब भाई अगर मैं नू भी हूँ, चलो मान लिया मैंने, अगर गाइस पिट पिट के तो मतलब कि गलती से तो ठीक बनते ना, मतलब अच्छा बन पाते हैं गलती कर करे थे। पता नहीं किसने कहा है ये, मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो। हाँ तो गाइस फटाफट से स्टेज लगाते हैं, और ये लगाई ये लगाई। तो भाई मेरे ख्याल से मेरी बहन नहीं जानती टेक्नो ब्लेड कौन है। मेरी बहन का नाम है एंजल है ना, वो जानती है ड्रीम को। ड्रीम का चक्कर मेरे को नहीं पता कौन है ड्रीम, ठीक ठाक से अगर बात करो तो। भाई सब छोड़ो, BTS आर्मी कौन है ये, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। पता नहीं कौन है BTS आर्मी, BTS भाई मेरे को नहीं पता कौन है, मैं तो वीडियो देखता नहीं तो मुझे पता भी कैसे होगा, आप खुद ही सोचो। बस तो अभी फटाफट से भाई बहुत बात कर ली, यहाँ पे लगाते हैं हमारे स्टेट्स मतलब स्लैब्स। भाई बहुत टाइम हो गया लगाते लगाते, रात हो गई भाई, एकदम सही में बहुत तकड़ा वाला टाइम हो चुका है, मतलब क्या ही बताओ। यहाँ पे ऐसे ऐसे ये स्लैब ऐसे भी लगा देते हैं भाई। अरे गलत कर दिया क्या, एक ने एक ज़्यादा कर दिया, समझ आ गया मेरे को। यहाँ पे ऐसे और ऐसे 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 है ना, तो ऐसे 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 ऐसे, तो भाई स्टाइल में लगाते स्टेप्स ऐसे, मज़ा भी तो आएगा देखने में। भिड़ो भाई बहुत टाइम हो चुका है लिटरली स्टेप्स को लगाते हुए, है ना भाई। तो यहाँ से ऐसे देखो, मैं बहुत टाइम हो चुका मेरे को करते हैं, पता नहीं कब ख़त्म होगा स्टेप्स का काम भी, है ना। यहाँ से ऐसे करते हुए चलते बस भाई, थोड़ी सी रह गए यार, मज़ा आ गया ऐसे स्टेप्स बनाने में। अरे यार ये गलत कर दिया थोड़ा सा, है ना। और अब ज़रा एक बंद करके देखते हैं मेरे इसको, सिगरेट वेस्ट को बंद हो जा भाई, अरे बंद हो जा मेरे भाई। तो भाई पता नहीं चल रहा कि सीक्रेट वेस्ट, मतलब पता तो चल रहा है साफ जी के पास सिगरेट टक्कर से है कि नहीं। टेक्नो एंड फ्रॉस्टेड फैंस देखकर फैंस सीक्रेट वेस्ट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ अपना, तो मैंने लिख दिया। अब बस देखो मैंने लिख दिया गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हटाओ, इसका काम हो चुका है, इसको भी हटाओ, इसका भी काम हो चुका है, इसको भी हटाओ। और अभी मेरे को सिर्फ यहाँ पे फैंस लगानी है, जहाँ तक मेरे को अच्छे से पता है ना। यहाँ पे भी लगाते थे फैंस फॉर सेफ्टी, और यहाँ से मैंने स्लिप लॉक करा क्योंकि ज़ॉम्बी वॉम्बी कोई भी गिर सकता है ना। तो यहाँ से वैसे ब्लॉक कर देते हैं, जॉइंट हो गया क्या, अच्छा सही जॉइंट हो गया तो, है ना। यहाँ से ऐसे फॉर द सेफ्टी भाई, फॉर द सेफ्टी मैं आपको कह ही रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ से भी ब्लॉक मारूँगा भाई, ऐसी बात नहीं कि नहीं करूँगा, नहीं तो भाई आपको तो पता ही कौन आ जाएगा
करने वाला ज़ॉम्बी, मजाक कर रहा हूँ है ना। तो भाई अभी फुल नेदरराइट का आर्मर पहन के फटाफट से पूरा ये फेंसिंग करते हैं, और यहाँ जैसे कट 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 करते हैं फेंसिंग। मैंने नाम लिया है भाई, सब्जी आ गए यार। किधर है भाई सब्जी? ये खड्डे खड़े मतलब सॉरी सॉरी खड्डे बोल दिया। आ जा भाई आ जा, हम भी देखते हैं आ भी पाता कि नहीं आ पाता। तो यहाँ पर भाई यहाँ पे ऐसे है ना, ये तो मैंने सही कर दिया एकदम सही वाला हिसाब। और अब दो लगाते, वैसे मैं तो ऐसे बोल रहा था हिसाब, कौन सा लगाऊँ डोर, मैन ग्रोव फैंस लगाते हैं मतलब डोर फैंस वाला। इसमें आपको ग्राफिक्स अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि टैबलेट बनने करे नहीं है अच्छे ग्राफिक्स। तो भाई सीढ़ियाँ भाई वाह एकदम प्यारी लग रही है, मतलब सॉरी वर्ड कहने के लिए एकदम प्यारी लग रही है ऐसे सीढ़ियाँ। टाइम भी बहुत लगा तो भाई चीज़ तो अच्छी लगनी है। अब मैं फटाफट से टॉर्च लेता हूँ आपने भाई। टेक्नोब्लेड भाई सच्ची में वो बंदा बहुत रो है अगर आपको पता हो तो। मैंने सुबह देखी थी वीडियो टेक्नोब्लेड की, नो नीड्स नो लेट्स हाँ ये करके वीडियो थी, 6 मिनट की थी है ना। अरे बेचारा मर जाएगा। आ जाओ अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें बुला ही नहीं रहा, तुम आ ही सकते अंदर भी। फिर भी बस मेरे इस सीक्रेट प्लेस के पास बहुत रोशनी रहेगी। और भाई आप देख सकते हो पूरी टॉर्च मेरी हो चुकी है तकड़ी वाली, एकदम दिख रही है मोटर लगाने के बाद। भाई ज़्यादा टाइम तक मैं नहीं रहूँगा, मतलब कि सर्वाइवल में जाऊँगा मैं, अगर इस वर्ल्ड में रहूँगा तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत है ना। तो भाई मैं यहाँ पे फटाफट से लीवर खींच कर अंदर चलता हूँ। अरे भाई ओए भाई ये क्या मजाक कर रहे हैं यार, अरे क्या कर दिया मैंने सीक्रेट प्लेस को भी भाई एकदम सीक्रेटली बनाएंगे, मतलब अच्छा से बनाएंगे, सीक्रेटली तो बन नहीं सकता। अब देखते कैसे लगेगा भाई, सही लग रहा है एंट्रेंस पे ऐसे। और भाई थोड़ी सी डिगिंग करते हैं, मतलब यहाँ पे एक बेस बनाते हैं अच्छा सा कपड़ा वाला, यहाँ पे ऐसे 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 हाँ थोड़ा सा तो बन चुका है, मतलब कि थोड़ा सी डिगिंग सही कर लिया है। फटाफट से नॉर्मल सा सरफेस बना देते हैं इधर की तरफ। एक मिनट भाई, अरे भाई की क्या करने की जरूरत है इसमें, अरे यहाँ क्यों आ गया। तो भाई फटाफट से मैं कह रहा था कि डिगिंग करते हैं है ना, ऐसे 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 ऊपर चुके। यहाँ पे तो ज़ॉम्बी आ सकते हैं यहाँ पे है ना, तो ऐसे ऐसे फटाफट से वो ड्रम के लैंप जो भी करके लगा सकते हैं, सॉरी डिच वुड लैंप हाँ मैं समझ गया ना। तो अभी मैं टॉर्च दोबारा लेनी पड़ेगी, मैंने पता नहीं रख क्यों दी थी, समझ नहीं आता जब रखनी थी यूज करनी है। तो थोड़ा सा और डिकिंग करते हैं, इतना सा बेस थोड़ी बनता है भाई है ना। यहाँ से अच्छे से डिकिंग करूँगा ताकि भाई एक बड़ा सा बेस बना सकूँ। और टीम के आप वीडियो देखते हो गाइस, अगर देखते हो तो कमेंट करके जरूर से जरूर कह रहा हूँ उल्टा ही। और गाइस आपको पता क्या, ड्रीम ने भी भाई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। वीडियो अपलोड करता था बंदा अच्छी सी, आप लोग देखते होगे मेरे को नहीं पता, 2 महीने पहले से छोड़ रखा है ड्रीम ने वीडियो अपलोड करना। नाम भी तो भाई एकदम तकड़ा है उसकी चैनल का ड्रीम। ये बस यार, और
मतलब अभी और भी है भाई, बस यहीं से नहीं है फटाफट से पूरा ये डट वट को यहाँ से हटाते हैं, बस ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे ऐसे है ना। तो थोड़ा सा बहुत, मतलब थोड़ा सा बहुत नहीं, थोड़ा सा तो हो चुका है ना। यहाँ से ऐसे पिस्टन को दिखने तो कुछ नहीं हो रहा, पिस्टन दिख जाएगा तो गाइस नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं है ना। तो भाई टेक्नो गेमर्स तो जावा में खेलते हैं ना, है ना गाइस। तो उनका तो मेरे को नहीं पता, हमारे उज्जवल भाई का क्यों किस वर्जन में खेलते हैं, मतलब वर्जन नहीं उसमें जावा में खेलते हैं कि किस में। तो यहाँ पे भाई वुडन प्लैंक्स एकदम अच्छी दीवारें करने के लिए लिटरली भाई बहुत टाइम लगा है, जैसा कि मैं अभी आपके साथ बनाने में लगा हूँ अपना सीक्रेट बेस, है ना। तो यहाँ से ऐसे ऐसे ओ नहीं, यहाँ से खुल गया, बट कोई बात नहीं हम ढक देंगे, यहाँ से खुल गया बट फिर भी हम ढक देंगे, कुछ नहीं हो रहा भाई, हम तो ढकते हो जाएंगे जब तक खुलेगा। अब मैं गाइस यहाँ से डिगिंग करना छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा उधर से इधर से करते हैं अब, है ना। तो यहाँ पे ऐसे 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 यहाँ पे मैंने इसलिए करी क्योंकि भाई यहाँ पे अब मेरे को ये प्लैंक लगाना था, बीच लॉक प्लैंक, और मैं किचन भी बनाऊंगा बट ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, किचन बनाऊंगा इधर वाले एरिया में, है ना गाइस। तो इसके बगल में बनाएंगे बाथरूम भाई, एकदम यहाँ से एंट्रेंस, बस उससे क्या होता है, उससे कुछ नहीं होता। तो पूरे में यही लगा देते हैं। अरे 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 ये क्या हो गया, अच्छा अब मैं नहीं उठ सकता मैं इधर, है ना। तो यहाँ पे फटाफट से ये लगा देते हैं हमारे फेवरेट लॉक्स। तो ज़्यादा यहाँ पे स्पेस तो नहीं है खड़ा होने का, अच्छे से काला हवा में उड़ने का, और ऐसे 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 धीरे धीरे हम भी प्रो हैकर गॉड सब बच जाएंगे माइनक्राफ्ट में, है ना। तो भाई मैं यहाँ से एंट्रेंस नहीं बनाऊँगा बाथरूम की भाई, तो ज़्यादा बड़ा किचन तो नहीं है तो, बट कोई बात नहीं छोटा ही ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए, सजावट तो करेंगे भाई लास्ट फर्नेस, स्मोकर तो नहीं स्मोकर है सॉरी, और ये फर्नेस नॉर्मल वाला ले लिया, और अब लेते हैं कारपेट जो कि वही तो सजाएगा यहाँ पे अच्छी वाली हो लेगा फील यहाँ पे खड़े होने में, यहाँ से ऐसे और अरे ऐसे ऐसे अरे दो ही लगा दी सेम सॉरी कैसे क्या हो गया, दो लगाने में भी अब यहाँ से ऐसे और ऊपर ऐसे कारपेट लगा देते हैं, यह भाई बहुत तकड़ा फील लाने वाला है, आप भी देखते रह जाओगे गाइस, है ना। अब यहाँ पे और भी लगा देते हैं भाई, किसी की तो ज़्यादा तो होगी भाई, मतलब कि कोई ज़्यादा लगेगा कोई कम लगेगा यहाँ पे। अब मैं लेता हूँ स्लैब और फैंस, अब आप कहोगे कि भाई तुम ये क्यों ले रहे हो, तो भाई मैं इसलिए ले रहा हूँ गाइस क्योंकि अब मेरे को वो भी तो बनाना है और चिमनी भाई, बट यहाँ पर जगह है ही नहीं बनाओ का, ऐसे बना देते हैं मजे मजे के लिए, है ना। यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे चिमनी, वैसे इस वाले स्लैब की तो नहीं लगानी चाहिए, फैंस भी दूसरी लेते भाई गलत कहा मैंने, ये लेते हैं अरे तुम क्या दिए ये वाले लेते हैं जंगल वुड स्लैब, इसको तोड़ो यहाँ लगा, यहाँ लगाया यहाँ पे लगाना सॉरी,
नहीं लग रहा, क्या प्रॉब्लम है? एक मिनट रुक जाओ, बस अब ट्राई करेंगे। नहीं हो रहा, कलर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अरे स्लैब क्यों लग रही है, मेरे को ध्यान नहीं जा रहा बार बार ना। तो ये बन गई हमारी चिमनी, छोटी मोटी सी, और थोड़ी सी भाई स्पेस बढ़ाते हैं इधर का। अरे नहीं यार, क्यों टूट गया गलती से। अरे हाँ ना, तो ये हमारा बन चुका है एक किचन, वर्किंग किचन है भाई। एक बंदे के रहने के लिए तो सही है, वैसे सबके लिए सही है जितने भी आ जाए। और अब क्या लगाना था? हाँ समझ आ गया क्या लगाना था, हमें लगाना था बैरियर। भाई बैरियर से और ख़तरनाक लुक आ जाएगी, जैसा कि भी आप देखोगे वीडियो में। थोड़ा सा लैग कर रहा है, सॉरी थोड़ा ही बहुत तो कर रहा है, ज़्यादा नहीं कर रहा। यहाँ पे बैरियर लगाते हैं। अरे लग जा बैरियर चाचा, भाई बड़ा मुश्किल से लगा है ये तो, बस किसी लग रहे लगने हैं यहाँ पे तो। अरे यार लैग कर रहा है माइनक्राफ्ट गंदा वाला, यहाँ पे नहीं लगाऊंगी भाई बैरियर वैरियर। गाइस किचन तो हमारा रेडी है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से किचन भी बन चुका है। अब भाई अब यहाँ से एक दरवाज़ा लेते हैं और वो लगाते हैं। कौन सा लें? ये डार्क आयरन डोर, जंगल डोर सही है, मेरे को अच्छा लगा, मैंने इसलिए लगाने का सोचा इधर। तो भाई ठीक लग रहा है एकदम बेस्ट। तो वैसे हमें बाथरूम भी बनाना है फटाफट से। नहीं बाथरूम छोड़ो यार, बाथरूम को क्या लेना। अब मेरे को सब छोड़ के एक चीज़ ज़रूर बनानी है, और उसका नाम है, मतलब उसका नाम नहीं, नीचे की ज़मीन बनानी है, उसका कोई नाम नहीं है भाई। सॉरी सॉरी, टाइम बहुत हो गया मेरे को पता बनाते हुए इस हमारे सीक्रेट बेस को। यहाँ से ऐसे हवा में उड़ के ही बनाना सही है, बिकॉज अभी मैं गिर नहीं सकता, नहीं तो इसके अंदर गिर जाता फिर प्रॉब्लम होती बनाने में। पहले खाली कर लेते हैं एरिया, फिर लगाएंगे। एक लगा दो उससे कुछ नहीं होता। यहाँ पे ऐसे ऐसे तीन चार और लगा देते हैं, ऐसे भी करो तो फिर भी कुछ नहीं होता है ना। तो ये लगाया फटाफट से, खटखट लगा रहा हूँ मैं भाई। ये ब्लेजर है क्या है यार? अच्छा ट्रेडर है। हाँ भाई मैं सोचा ब्लेजर का टैग हो गया भाई इधर। मैं एक ब्लेजर रखूँगा भाई, एक दो ब्लेजर, ताकि वो भी मेरे साथ रहें भाई। मज़ा आता है ब्लेजर के साथ रहने में, माइनक्राफ्ट में कोई मेरे साथ तो खेलता नहीं है, तो भाई ब्लेजर है माइनक्राफ्ट में मेरे तो सब कुछ, मतलब माइनक्राफ्ट में भाई। सॉरी सॉरी, अरे भाई मैंने यहाँ पे क्लिक ही नहीं किया, क्यों हो गया अपना? वहाँ पे भी लगा देते, रोशनी हो गई अच्छी सी। और भाई अब मैं यहाँ पे, अरे ये नहीं, हमें को पैड लगाना है। बैड तो रेड ही अच्छा लगता है, तो ले जल्द स्पॉन करने। और ये देखो क्या ट्रैप डोर कौन सा अच्छा लगेगा, फटाफट चूज करते हैं। जंगल डोर ये अच्छा लगने वाला भाई है ना। तो यहाँ पे तीन बेड लगाने हैं मेरे को, जहाँ तक पता है, मतलब सॉरी पता था क्या, तीन ही लगाऊंगा ना। तो ये हो गया हमारा बेड, और यहाँ से अच्छा दिखाने के लिए भाई लुक अच्छा है। ऐसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इट्स ओके गाइस, प्रॉब्लम होने से मैं कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे भाई ट्रैप डोर क्यों नहीं लग रहा भाई, वॉट अ प्रॉब्लम है, मतलब क्या प्रॉब्लम है ये, लग जा। चलो ये तो बंद हो गया, ये बन चुका है हमारा ठीक ठाक सिक्योरिटी बेस। यहाँ से जाएंगे बंदे और अंदर बैठ, अरे गलत लगा दिया। अरे थोड़ा सा लै करने के चक्कर में यहाँ पे वो टूट चुके इधर की जगह। तो गाइस सिस्टर को बुलाऊं क्या मेरे इस वर्ल्ड में, मेरी बहन को बताना जरूर से कमेंट में।
और जब उसे मतलब उसको रखो और अबे यार क्यों टूट रहा है, क्या इसकी दुश्मनी है मुझसे। गाइस तो 320 हो चुके मेरे ख्याल से मेरे सब्सक्राइबर्स, तो अब नेक्स्ट गोल है 400 का, जल्दी से पूरा करा देना है ना। यहाँ पे ऐसे और ऐसे बिल्ली डिस्पॉनी करे तो ऐसे कर दो, जब तब ले डिस्पॉनी करते वैसे अब इसको नीचे रहने देते हैं ज़्यादा है ना, एकदम बेस्ट लग रहा है भाई, सुबह कम बैड लग रहा है सेम टू सेम अगर आप देखो तो है ना। और अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ बैठने के लिए स्टेल्स, प्लेजर्स तो बैठते नहीं है, मैं भी शायद बैठ नहीं सकता बट फिर भी उससे कुछ नहीं होता, लगा तो देना ही चाहिए, अच्छा दुकाता है लगाने से। ये वाली लेते स्टेप्स और स्लैब ये सेम ही लेंगे जब स्टेज ये लिए तो है ना, तो हाई टेक तो नहीं लग रहा ज़्यादा, मतलब हाई टेक भी नहीं इतना स्टेस मेरा, ये सिर्फ मैं अपने लिए बनाऊंगा। और ये बताओ क्या करेंगे लेजर, बंदे चढ़ के खड़े हो जाएंगे इस पर है ना, तो ये कैसा अजीब सा मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, ऐसे ठीक रहेगा क्या बनाना। अब यार क्या है एकदम बेकार लग रहा, सॉरी गाइस है ना। तो अब इस स्लैब को रखते हैं फटाफट से, टॉर्च लेते हैं, एक ही टॉर्च लगानी है जाता मेरे को पता है। अब भाई वार्डन की आपने वीडियो देखी, मतलब मेरी नहीं टेक्नो गेमर्स की, हमारे उज्ज्वल भाई की, जो इपिक फाइट कर रहे थे वार्डन के साथ। तो चलो गाइस, अबे भाई इंट्रो आउट्रो भी नहीं करने दे रहा यार, माइनक्राफ्ट लैग करने में, अरे माइनक्राफ्ट लैग करने में उस्ताद है, सॉरी क्या उस्ताद है फिर ना, एक बार आराम से ठहर नहीं सकता माइनक्राफ्ट अपने आप को तोड़वाने में। तो चलो गाइस मेरा सीक्रेट बेस तो बन चुका है, बाकी तो इतना सीक्रेट भी नहीं लग रहा बट बन चुका है जैसा भी है ना। तो ये है मेरा सीक्रेट बेस, और यहाँ से अभी बंद कर देते हैं सीक्रेट बेस को, बंद हो जा भाई, ये आधा तो बंद हो चुका है और आधे को भी बंद कर देते हैं बाई चांस अगर यहाँ पे मकड़ी मतलब कि स्पाइडर और ज़ॉम्बी गिर जा तो इसको पहले नहीं करेंगे बंद, इसको करते हैं बंद पहले नीचे वाले को, और अब इसको करते हैं ना। तो पहले सिगरेट बेस तो बंद हो चुका है, अरे इन्वेंट्री शुरू कर रहा हूँ और मैं फर्स्ट पर्सन में आ जाता हूँ, एकदम ओपी लग रहा है बाहर से देखने में तो सिगरेट बेस, स्टेटस तो नेक्स्ट लेवल ओपी, ट्रेडर की स्पीड देख लो भाई बंदे के मामले पर, ये एनिमेशन वाला मोड लगाने के बाद माइनक्राफ्ट के ग्राफिक्स तो अच्छे ही हैं, मतलब ये दो मोड लगाने के बाद, और बाकी माइनक्राफ्ट भी बहुत अच्छा चुका है। ये क्या कर दिया मैंने, करती करती इवेंट को गाइस फर्स्ट पर्सन में, मेरे को पता ही ऐसे आता है। अरे गाइस आपको पता है टोटल गेमिंग को सबने मिलके निकाल, टोटल गेमिंग को मतलब हमारे अज्जू भाई को उससे क्या कहते हैं हीरो ब्रांड एसएमपी से निकाल दिया, आपको पता है क्या गाइस, क्योंकि उन्होंने ये कुछ तोड़ा मतलब कि फोड़ा था भाई हीरो ब्रांड एसएमपी के मेंबर्स को कहा था कि फोड़ो, तो भाई उनको निकाल दिया गया है। और फिर उज्ज्वल भाई करीब तो आपको पता ही है जिन्होंने हीरो ब्रांड एसएमपी की सारी वीडियो देखी है, और मैंने भी उसके ऊपर एक दो वीडियो अपलोड की तो थी है ना, मतलब कि एक दो नहीं एक वीडियो अपलोड की थी टेक्नो गेमर्स रिवेंज फ्रॉम हीरो ब्रांड एसएमपी मेंबर्स, तो भाई वो एकदम तगड़ा वाला रिवेंज लिया था उज्ज्वल भाई ने, उज्ज्वल भाई के उसको बंगले को तोड़ा था ना। तो चलो गाइस आज की वीडियो में मतलब कि जो भी था जुड़ा था, तो चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना गाइस है ना, और कमेंट करना मत भूलना,
लाइक करना भी मत भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे भाई ज़ॉम्बी आ गया।